आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको अपस्टॉक ऐप में लगने वाले सभी चार्जेस के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपका इसके अंदर डीमैट अकाउंट है और आप इससे इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देख लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐप आपसे किस जगह कितना चार्ज लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप स्टॉक ऐप में लगने वाले सभी चार्जेस को बिल्कुल डिटेल में देखने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा और इसकी लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप अपने ब्राउजर में जाकर सर्च कर सकते हैं आप स्टॉक ऑल चार्जेस। जैसे ही आप ये सर्च करोगे आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी और इसी को आपको ओपन कर लेना है और आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप इसमें लगने वाले सभी चार्जेस को बिल्कुल डिटेल में देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर इसका ब्रोकरेज देखने को मिल जाता है कि किसमें कितना ब्रोकरेज लगता है। सबसे पहले म्यूचुअल फंड और आईपीओ में आपसे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लेता है। इसके अलावा इक्विटी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी एंड कमोडिटी में आपसे पर ऑर्डर पर 20 रुपये लेता है, या फिर अगर 0.05% लेगा अगर 20 रुपये से कम होगा तो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये आपसे 20 रुपये ही लेता है। और इसके अलावा इक्विटी डिलीवरी में, मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए जो शेयर्स बाय करते हैं उसमें जो ब्रोकरेज इससे चार्ज किया जाता है वो है 20 रुपये, या फिर 2.5% जो भी कम होगा। और इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको ये सारे चार्जेस बिल्कुल डिटेल में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको इक्विटी के सारे चार्जेस देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आप यहाँ करेंसी पर क्लिक करके करेंसी में लगने वाले सभी चार्जेस देख सकते हैं। अगर आप करेंसी ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं तो आप कमोडिटी में लगने वाले सभी चार्जेस को डिटेल में ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इक्विटी के सभी चार्जेस को देखते हैं। तो जो आप स्टॉक के द्वारा चार्जेस लगाए जाते हैं वो है ब्रोकरेज, मतलब ये चार्जेस आपसे आप स्टॉक लेता है। तो इक्विटी में जितना लेता है वो आपको यहाँ पर देख जाएगा, ऊपर आपको मैंने अभी बताया था। इसके अलावा जो टैक्सेस एंड फीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ली जाती है वो आपको यहाँ पर देख जाती है स्टेचुरी चार्जेस में। तो सबसे पहले आपको सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स देखने को मिलता है, ये आपसे 0.1% बाई और सेल पर लिया जाता है इक्विटी डिलीवरी में। इक्विटी इंट्राडे में ये आपसे सिर्फ सेल पर लिया जाता है और ये 0.025% लिया जाता है। इक्विटी फ्यूचर में ये आपसे सेल पर लिया जाता है और 0.01% लिया जाता है। और इसी प्रकार आपको ऑप्शन का भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये चार्जेस सिर्फ 31 मार्च और 2023 तक के थे। इसके बाद के जो भी यहाँ पर जितने चार्जेस हैं वो आपको यहाँ पर देख जाएंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये चार्जेस थोड़ा इंक्रीज किए गए हैं, इसीलिए यहाँ पर 31 मार्च के पहले वाला और 31 मार्च के बाद वाला चार्जेस भी दिखाया गया है। आप जीएसटी में आकर यहाँ पर जीएसटी देख सकते हैं कि किसमें कितना जीएसटी लगता है। 18% जीएसटी सभी में लगता है, ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्ज और डीपी चार्जेस में, जो कि यहाँ पर आपको देख जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज जो आपसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया जाता है वो भी आपको यहाँ पर देख जाएगा। ये पर करोड़ पर और बाय साइड पर लिया जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब आप 1 करोड़ वैल्यू के कोई भी शेयर्स बाय करते हैं तब आपसे उसमें इतने परसेंट की स्टैम्प ड्यूटी ली जाएगी। इसके अलावा आप नीचे आकर एनएससी और बीएससी के द्वारा लिए जाने वाले चार्जेस देख सकते हैं। आपको यहाँ पर नीचे टाइम पीरियड भी दिया गया है कि किस डेट से किस डेट तक कितना चार्जेस लगेगा, क्योंकि ये चार्जेस अभी रिसेंटली चेंज किए गए हैं। तो उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाई पर कितने परसेंट का एनएससी के द्वारा चार्ज लिया जाता है, डिलीवरी में, इंट्राडे में, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, जितना भी लिया जाता है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, जिन्हें आप बिल्कुल डिटेल में वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको सीडीएसएल के द्वारा लगाए जाने वाले सभी चार्जेस देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर डीपी चार्ज देखने को मिल जाता है, क्योंकि यही सीडीएसएल के द्वारा लगाया जाता है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि सेल पर आपसे 18.5 रुपीज लिए जाते हैं। इसके अलावा इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता है। इसके बाद आप यहाँ पर सेबी के द्वारा लगाए जाने वाले सभी चार्जेस को देख सकते हैं। सेबी सिर्फ आपसे यही चार्ज लेता है और ये आपसे 1 करोड़ की वैल्यूएशन पर सिर्फ 10 रुपये लेता है, इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद आप जैसे ही और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी देखने को मिल जाती है। मतलब जब आप स्टॉक से मार्जिन पर पैसे लेते हैं और वो पैसे आप टाइम पर इन्हें वापस नहीं करते हैं तो उसमें जितने परसेंट की पेनल्टी लगाई जाती है वो आपको यहाँ पर देख जाती है। अगर मार्जिन का पैसा 1 लाख से कम होगा तब 0.5% चार्ज लगेगा, और अगर 1 लाख से ज्यादा होगा तब 1% का चार्ज लगेगा। और अगर आप और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ अदर सर्विसेज के भी चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। ये चार्जेस सभी लोगों के ऊपर नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन जो इनकी एक्स्ट्रा सर्विसेज लेते हैं उनके ऊपर लगाए जाते हैं। जैसे अगर आप अपने शेयर्स को गिरवी रखते हैं तो उसमें आपसे 50 रुपये और प्लस जीएसटी लिए जाएगी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और टाइम पर अपने स्टॉक से स्क्वायर ऑफ नहीं होते हैं
तब ये खुद ऐप अपने आप से आपके होल्डिंग को स्क्वायर अप करता है, तो उस केस में आपसे ₹50 प्लस 18% की जीएसटी लेता है। इसी प्रकार कॉल एंड ट्रेड में भी ये आपसे ₹50 प्लस जीएसटी लेता है। आप और भी नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपसे इसमें और भी कुछ चार्जेस लिए जाते हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अगर आप नेट बैंकिंग से पैसे ऐड करते हैं, अगर आपकी कंपनी शेयर्स को बायबैक करती है और आप उस बायबैक के लिए अप्लाई करते हैं और आपके शेयर्स बायबैक में सेल हो जाते हैं, तब उसमें जितना भी चार्जेस लिया जाता है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अकाउंट ओपनिंग फीस कोई भी नहीं ली जाती है, एपीआई सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी कुछ भी नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर ये सारे चार्जेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जिन्हें देख सकते हैं, और ये सारे चार्जेस आपसे इक्विटी में लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं तो करेंसी में जितने भी चार्जेस लगते हैं उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप खुद आकर इस चीज को इसमें देख सकते हो कि किसमें कितना चार्जेस लगता है। आप नीचे आओगे तो यहाँ पर सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, और इसी प्रकार आप कमोडिटीज में लगने वाले चार्जेस को भी देख सकते हैं। तो ये सारे चार्जेस आप स्टॉक ऐप के द्वारा लगाए जाते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और अब मैं आपको दिखाने के लिए इस ब्रोकरेज को एक कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके भी आपको दिखा देता हूँ। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने ब्रोकरेज कैलकुलेटर आ जाएगा जिसमें आप इन चार्जेस को कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। मान लो कि मैंने एक कंपनी के यहाँ पर 100 शेयर्स बाय किए, बाय करने का प्राइस था ₹135 और इन शेयर्स को मैंने जो सेल किया है वो ₹500 में सेल किया है, और इनको मैंने डिलीवरी में मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया था। तो यहाँ पर मैं उस कंपनी का नाम भी सर्च कर देता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने ITC कंपनी के यहाँ पर शेयर्स बाय किए थे और यहाँ पर उसका सारी चीजें होल्ड करके मतलब आपको दिखा दी है, तो जितना भी आपको चार्ज देना होगा वो आपको यहाँ पर देख जाएगा। सबसे पहले बाय और सेल पर आपको ₹40 का चार्ज देना होगा, ब्रोकरेज मतलब ये आप स्टॉक आपसे लेगा, और जो आपको अदर चार्जेस देने होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे ₹97.2, यहाँ पर ₹1.3, तो ये सारे चार्जेस आपसे लगाए जाएंगे। इन्हीं चार्जेस को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप नीचे आकर डिटेल में देख सकते हैं। जैसे जब मैंने इसके 100 शेयर्स ₹135 में बाय किए थे तो उसमें मैंने टोटल ₹13,500 इन्वेस्ट किया था, लेकिन जब मैंने सेल किया तब इनकी वैल्यू थी ₹50,000, और इस पूरे ऑर्डर पर जो मैंने टोटल चार्ज दिया है उसे आप यहां पर देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप इंट्राडे का ब्रोकरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इंट्राडे पर क्लिक करेंगे और इंट्राडे में जो भी आपसे टोटल चार्ज लिया जाएगा वो आपको यहां पर दिख जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपस्टॉक ऐप में लगाए जाने वाले सभी चार्जेस को देख सकते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।